गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हमने अब तक पढ़ा जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल यानी समय। तो जैसे कि मोहन जा रहा है, मोहन गया, मोहन जाएगा, जा रहा है, गया और जाएगा, इसमें क्या है, तीनों काल के रूप निहित है। जा रहा है जो है यानी जो अभी हो रहा है, और गया यानी वो काम यानी वो समय बीत गया, क्रिया का जो समय है वो बीत गया, और जाएगा यानी वो काम अभी होने वाला है यानी हुआ नहीं। तो इन तीनों वाक्यों से हमें समय का पता चलता है। किसके समय का? क्रिया के, काम के समय का पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है या होगा या हो गया है। जैसे आपके बुक में चित्र दिया हुआ है, पेज नंबर 95 पे काल चैप्टर नंबर 70, उसमें चित्र दिया है, दो बच्चे खेल रहे हैं, रोहन और प्रसन्न फुटबॉल खेल रहे हैं। यह फुटबॉल उनके पिताजी कल बाजार से लाए थे। कल उनके स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता होगी, इसलिए वे तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो अंडरलाइन है शब्द वाक्य या वाक्यांश बोलिए, वो जो है क्रिया का समय बता रहा है। खेल रहे हैं वर्तमान का यानी जो हो रहा है, लाए थे भूतकाल यानी जो बीत चुका है, जो हो चुका है, और होगी यानी भविष्य का, यानी हुआ नहीं है वो होगा। अब इसको हम जानते हैं, इसकी परिभाषा कि काल क्या है और उसकी कितने भेद हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। हमने तो ये जान लिया कि क्रिया क्या है, क्रिया यानी काम। अब यानी काम के जिस रूप से, काम का जो भी रूप है, वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल उसमें वर्तमान काल पता चलता है, भविष्य काल पता चलता है, भूतकाल पता चलता है, यानी जो भी रूप है उसके होने का समय का अगर हमें ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के तीन भेद, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी पास्ट, जो बीत गया है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, जो चल रहा हो रहा है। और भविष्य काल यानी फ्यूचर, यानी जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं। अब काल के जो है उसकी पहचान क्या है, कि हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वो वाक्य में किस रूप में है, उसकी पहचान है हमें। जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम में बताया है, भूतकाल की पहचान होती है था के थी, यानी वाक्य के अंदर अगर क्रिया के अंत में जो है था के थी आता है, यानी कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, तो उसमें भूतकाल, उसकी पहचान है भूतकाल। वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं, रही है, हो रहा है, ये सब आता है, तो वहां पे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। फिर भविष्य काल, उसकी पहचान है गा गे गी, यानी अगर अंत में आपको कोई भी वाक्य में गा और गे गी इस तरह के आते हैं तो वो भविष्य काल होगा। जैसे वो जाएगा, जाएगी, जाएंगे, तो इसमें पता चलता है हमें वो भविष्य काल। अब भूतकाल की परिभाषा,
बीते समय का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल का क्रिया का जो रूप चल रहे समय का बोध कराए वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया। भविष्य काल का है परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल का जो है उदाहरण देखिए, जब मैं चौथी कक्षा में था तब मैंने बहुत मेहनत की थी, यानी मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया आपको था थे थी, उसकी पहचान कैसे होगी था थे थी, तो यानी था थी। यही कारण था कि तब मैं कक्षा में प्रथम आया था, यानी उसने मेहनत की थी तो प्रथम आया था। इसमें भी यानी हमें वाक्यों से पता चल रहा है तो उसके क्रिया का जो है रूप में समय का क्या समय की यानी कौन सा समय उसमें दर्शाया जा रहा है। वर्तमान काल के उदाहरण में आज मेरे मामा मामी आ रहे हैं, हम सब उनकी मेहमान नवाजी की तैयारी कर रहे हैं, यानी है रहा है रहे हैं, तो उसमें वर्तमान काल होता है। भविष्य काल में मैं छुट्टियों में आगरा जाऊंगा, वहां मैं ताजमहल देखूंगा। जैसा कि बताया गा ये उसमें जाऊंगा देखूंगा, ये भविष्य काल की जो है पहचान है। तो हमने सीखा कि काल कार्य के होने का बोध कराता है, यानी हमें जानकारी देता है किसका काम के होने का क्रिया के होने का। और काल के कितने भेद हैं, काल के तीन भेद हैं, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसमें हम अभ्यास के तौर पर देखेंगे कि काल अभ्यास में जो है प्रश्न दिया हुआ है सही और गलत का, तो उसके अनुसार हम जानेंगे कि इसको अच्छे से हम समझ लेंगे इसमें क्या करना है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ।
निशान लगाया। शायद आज वर्षा होगी होगी यानी भविष्य काल है कि भूतकाल होगी। गार्गी की पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान है भविष्य काल की पहचान है गार्गी। तो इस वाक्य में क्या है? गा होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? भविष्य काल। मम्मी बाजार गई है यानी वो काम हो चुका है। बच्चे खेल रहे हैं। वर्तमान काल में मोना सब्जी
तुम क्या कर रहे थे? तो बच्चों आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका अभ्यास कार्य भी। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हैव अ गुड।